यह टेलीस्कोप 100 प्लैनेट में एलियंस को देखने में सक्षम हो सकता है। पिछले हफ्ते फ्रांस में पर्यवेक्षकों ने एक रेडियो टेलीस्कोप का अनावरण किया जो यह बता सकता है कि एक 100 प्लैनेट के अंदर क्या चल रहा है। टेलीस्कोप एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हुई विकिरण के समान रेडियो संकेतों की खोज करने के लिए बनाया गया है। यह दिखा सकता है कि क्या किसी ग्रह में एक चुंबकीय डायनेमो है जो पृथ्वी की तरह एक मंथन तरल धातु कोर है। दूरबीन ने जो पाया वह शोधकर्ताओं को ग्रह निर्माण को समझने में मदद कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी ग्रह की सतह को कॉस्मिक किरणों और उसके तारे से आवेशित कणों की हवा से बचाते हैं जो जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तारकीय हवा को विक्षेपित करके एक चुंबकीय क्षेत्र भी कणों को एक ग्रह के जीवन पोषण वाले वातावरण को दूर करने से रोक सकता है। यह फ्रांस में दूरी पर 100 प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए एक अतिरिक्त दरवाजा खोलता है। फ्रांस में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्लियंस के जीन मैथियास ग्रिस्मियर कहते हैं, आधिकारिक तौर पर पिछले हफ्ते उद्घाटन किया गया दूरबीन कम आवृत्ति सारणी लाफर के भीतर एक स्टेशन होगा जो नीदरलैंड में केंद्रित एक यूरोपीय रेडियो सारणी है। नाम के अपग्रेडिंग लाफर नैनफर में नया विस्तार प्रारंभिक ब्रह्मांड के पहले तारों से संकेत खोजने के लिए लाफर की खोज में सहायता करेगा। लेकिन यह 100 प्लेनेटरी चुंबकीय क्षेत्रों के संकेतों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी की एक श्रृंखला को स्कैन करने के लिए अपने समय के बड़े हिस्से को समर्पित करेगा। नैनफर कम आवृत्तियों पर अधिक संवेदनशील और शिकार के लिए समर्पित हो सकती है। इसमें अंततः लगभग 2000 एंटेना शामिल होंगे जो खंडित तार फ्रेम क्रिसमस पेड़ों से मिलते जुलते हैं। ज्यादातर 400 मीटर चौड़े कोर में बैठेंगे, कुछ और व्यापक रूप से फैलेंगे। रिसीवर्स 85 मेगाहर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी लेते हैं। एफएम रेडियो बैंड के नीचे 10-10 मेगाहर्ट्ज तक, जिसके नीचे आयनोस्फीयर स्पेस से किसी भी सिग्नल को ब्लॉक करता है।